Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. आज हम इन सारे formulas के बारे में सीखेंगे. ये सारे count से related formulas हैं. यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ count लिखा हुआ है, यहाँ counta लिखा हुआ है, यहाँ countblank लिखा हुआ है, यहाँ पे countif लिखा हुआ है. तो ये सारे formulas हम सीखेंगे और जानेंगे कि इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सेल में कोई भी फार्मूला इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है, तो यहाँ इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं. और यहाँ पे लगाएंगे, देखिए फार्मूला लगाने के कई तरीके हैं. आप इज इक्वल टू लगा करके ही फार्मूले को एक्सेल में स्टार्ट करते हैं. आपके पास बने बनाए फार्मूले का ये विकल्प यहाँ मिल जाता है, ये फार्मूला बार के पास जो एफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके भी फार्मूला लेके आ सकते हैं. देखिए यहाँ पर तमाम फार्मूले दिख रहे हैं लेकिन काउंट फॉर्मूला नहीं दिख रहा है. कैसे आएगा ये, यहाँ पर ऊपर वाले यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे कर्सर को रखिएगा और ये जो लिखा हुआ है बैक स्पेस की दबा करके इसको मिटा दीजिएगा और यहाँ सर्च कीजिएगा काउंट, सी ओ यू एन टी काउंट. जैसे ही सर्च करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ काउंट फॉर्मूला शो हो जाएगा. यहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर क्लिक करिएगा, मैं आपको यहीं से लगा के दिखाता हूँ. और यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा ड्रैग करता हूँ, यानी कि ये गिनती करके बता देगा कि यहाँ पर कितने हमने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं. यहाँ पे नंबर्स की ही काउंटिंग करता है ये, ठीक है, टेक्स्ट की काउंटिंग नहीं करता है. तो अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है. 8 क्यों आ रहा है, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि ये 9 आना चाहिए लेकिन 8 ही आ रहा है. ये टेक्स्ट की काउंटिंग को नहीं करता है काउंट फॉर्मूला, ठीक है. जो काउंट फॉर्मूला है वो टेक्स्ट की काउंटिंग को नहीं गिनता है. चलिए काउंट ए को देखते हैं कि ये कैसे काउंटिंग करके देता है हमें. तो इज इक्वल टू के निशान के साथ इसको लगाएंगे, सी ओ यू एन टी ए, काउंट ए लिख दिया हमने. और यहां से यहां तक जब ड्रैग करेंगे हम इसको तो देखिए क्या होगा, यहां पर हमने नंबर्स भी लिए हैं और टेक्स्ट भी लिया है, टेक्स्ट यानी यह लिखा हुआ. एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं ओ लेवल का या ट्रिपल सी का, तो आप ये बात ध्यान रखिए, चाहे इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में अलाइन होता है और नंबर हमेशा राइट में अलाइन होता है, ठीक है. अब इसको बंद करता हूं मैं, देखते हैं क्या होता है. इंटर जैसे ही प्रेस करता हूं तो यहाँ 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट कर रहा है. आई होप की बात समझ में आ रही होगी काउंट का फॉर्मूला क्या काम करता है. चलिए आइए काउंट ब्लैंक पे चलते हैं. यहां पे रखते हैं कर्सर को, ठीक है, इज इक्वल टू का निशान दबाते हैं, काउंट ब्लैंक लिखते हैं. यहाँ पे लिखा हमने, यहां से आ गए हम यहाँ पे और इन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया हमने. अब इसमें टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, एक टेक्स्ट है और बाकी सारे नंबर हैं. आइए देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है. अच्छा चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो सूरज लिखा हुआ है ना इसको मिटा देते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं बाहर. यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ आ गया, आप देख सकते हैं ये 1 लिखा हुआ आ गया. अगर इस भी नंबर को मैं मिटा देता हूँ तो यहाँ 2 लिखा हुआ आ जाएगा. सो यहाँ पर भी मिटा देता हूँ तो यहाँ 3 आ जाएगा. तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सिर्फ ब्लैंक कॉलम्स को ही काउंट कर रहा है ये. तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला सिर्फ ब्लैंक कॉलम्स को ही काउंट करता है. आइए काउंटिफ को देखते हैं. यहाँ पे काउंटिफ के लिए ये टेबल हमारे पास बना हुआ है, इसमें कुछ स्टूडेंट के नाम हैं और उनके नंबर हैं. अब इनका टोटल हम करेंगे, इज इक्वल टू सम फॉर्मूले से टोटल कर लेंगे. सम फॉर्मूला जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है. यहाँ से यहाँ तक जब हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ सेल रेफरेंस आ गया है L4 से लेकर Q4 तक. इसको बंद करिए और जैसे एंटर करिएगा यहाँ पर टोटल आ जाएगा. तो ये टोटल, और यहाँ डबल क्लिक करने से इन सबका टोटल आ जाएगा. तो ये एक्सेल की खासियत होती है. तो यहाँ पर हमने टोटल तो निकाल लिया, अब हमारा मेन जो फॉर्मूला है काउंटिफ जिसे हमें सीखना है उसकी बात करते हैं. तो इज इक्वल टू का निशान दबा करके यहाँ लिखते हैं काउंटिफ, ठीक है, काउंटिफ कर लिया हमने, ब्रैकेट लगा लिया. अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो ये लड़कों ने नंबर गेन किए हैं उन नंबर्स को सेलेक्ट करना है, यानी कि L4 से लेकर Q4 तक हमने सेलेक्ट कर लिया. अब जो ये हमने सेलेक्ट किया है, चूंकि सिंटेक्स में रेंज लिखा हुआ है यहाँ पे और रेंज के बाद कॉमा दिया गया, तो यहाँ कॉमा देना है आपको. अब जो ये वैल्यूज़ है ना, अगर आप दिखाना चाहते हैं फेल्ड इन सब्जेक्ट तो इनको छोटा कर दीजिए. ये छोटे का निशान है, ये जो साइन दिख रहा है आपको ये छोटे का साइन है. तो छोटा यानी कि इन वैल्यूज़, ये देखिए इसका मुंह जो है आगे है, इधर की तरफ है, यानी किधर की तरफ है, राइट साइड की तरफ है, और लेफ्ट साइड की तरफ इसकी पीठ है. तो ये छोटे का निशान है, ठीक है. तो इन जो रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है L4 से लेके Q4 तक, इनमें जो वैल्यूज स्टोर हैं
वो छोटी हो, किससे? 33 से, ठीक है। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर जो भी लिखना है डबल इंटेड कॉमा में लिखना है, तो यहां पे डबल इंटेड कॉमा लगा देते हैं हम। ये डबल इंटेड कॉमा आपको ठीक इंटर के जस्ट बाद, यानी कि एल के ठीक दूसरे बटन पे मिल जाएगा, अल्फाबेटिक बटन पे शिफ्ट दबा करके लगाइएगा तो इनवर्टेड कॉमा लग जाएगा। अब आपको सिंपली इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे देखिए ये तीन सब्जेक्ट में फेल है, यानी 33 से कम मार्क्स इनके तीन सब्जेक्ट में है, पहला हिंदी, दूसरा साइंस और तीसरा मैथ्स, तो तीन सब्जेक्ट में फेल हैं, ये पता चल गया। चलिए अब इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं तो ये सबका आ जाएगा। अब पास्ट इन सब्जेक्ट निकालना है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान दबाइए और लिखिए countif, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे countif लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आप ड्रैग कर लीजिए, सेम वही तरीका है, कॉमा दीजिए। अब की बार आपको क्या निकालना है, अब की बार आपको बड़ा निकालना है, तो 32 से जो भी ज़्यादा नंबर पाएंगे वो निश्चित तौर पे पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 32, ठीक है, और इसको बंद करके और एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए तीन सब्जेक्ट में ये पास हैं और तीन सब्जेक्ट में ये फेल हैं। जो जीरो सब्जेक्ट में फेल होगा उसका छः सब्जेक्ट में यहाँ पे पास का यहाँ पे आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पता चला, आपने रिजल्ट बनाया, आपको पता चला रही है ये 484 था, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, ये जो 4 लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये 4 नहीं है, ये 84 है, तो क्या करेंगे आप, तो फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 84। आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेल बहुत ही समझदार है, तो यहाँ पे जैसे ही 84 लिखते हैं आप, यहाँ पे देखिएगा फेल्ड इन सब्जेक्ट और पास्ड इन सब्जेक्ट का रेशियो देखिएगा, यहाँ अपने आप चेंज हो गया। तो ये जो है तरीका है, और इस तरह से आप इन सारे काउंट के फॉर्मूलों को प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।